नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं आज प्रकरण है हमारा कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण में पंचमी विभक्ति का हम अध्ययन कर रहे हैं। और पंचमी विभक्ति के अध्ययन में एक वार्तिक है, और वार्तिक है ल्यब लोपे कर्मांड अधिकरणे च। कौन सा वार्तिक है? ल्यव लोपे कर्मण्य अधिकरणे च, कर्मण्य अधिकरणे च। तो ये वार्तिक क्या कहता है कि जहां पर ल्यप प्रत्यय का लोप हो रहा हो, अर्थात जहां पर ल्यप प्रत्यय को प्रयुक्त नहीं किया गया है, यानी ल्यप प्रत्यय नहीं है लेकिन वहां ल्यप का अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो उसका जो कर्म होगा और जो अधिकरण होगा, कर्म कारक जानते हैं आप और अधिकरण कारक जानते हैं, तो जो कर्म होगा और जो अधिकरण होगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए क्या कहा है, ल्यप प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग करने पर। ल्यप प्रत्ययांत का तात्पर्य क्या होता है? जिसके अंत में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ हो, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करके उसके प्रतीयमान अर्थ के प्रति, उसका जो प्रतीयमान अर्थ होता है यानी उसका जो अर्थ प्रतीत हो रहा है उसके प्रति, कर्म और अधिकरण में, किस किस में? कर्म में और अधिकरण में पंचमी विभक्ति होती है। यह वार्तिक है विद्यार्थियों। अब देखिए, आप देखते हैं एक उदाहरण है, प्रासादात प्रेक्षते, महल से देखता है। अब महल से देखता है तो महल से कैसे देखेगा? कोई भी व्यक्ति महल पर चढ़ेगा और वहां पर चढ़कर कर फिर महल से देखेगा, किंतु यहां पर चढ़कर जो अर्थ है उसको नहीं बताया गया है। अर्थात अगर हम चढ़कर अर्थ को प्रतीत करते तो हमें यहां आरोह्य, यानी ये जो ये तो उपसर्ग हो गया, रूह धातु हो गई और ये ल्यप प्रत्यय हो गया, इसका प्रयोग करना पड़ता, किंतु यहां पर हमने इसका प्रयोग नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया है किंतु उसका अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो उसका जो प्रतीयमान अर्थ है, प्रतीयमान अर्थ है कहां? महल पर चढ़कर। तो उस महल जो कर्म में क्या आ जाएगी? पंचमी आ जाएगी, जैसे इसमें आ गई है। उसी प्रकार से देखिए, ये एक उदाहरण हो गया, इसी प्रकार से आपका दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है? ये तो महल पर चढ़कर, तो ये इसमें कर्म हो गया ये। इसी प्रकार है आसनात प्रेक्षते, इसका अर्थ है आसन पर बैठकर। देखता है क्या है विद्यार्थियों? आसन पर बैठकर। तो ये जो मैं पेपर होता है ये किसका बोधक होता है? यह बोधक होता है आपका अधिकरण का। तो यहां पर जैसे यहां पर भी हमें क्या है, ये आरोह्य धातु प्रयोग करनी पड़ती कि आसन पर चढ़कर और फिर देखता है, तो हमने नहीं किए, तो ये जो अधिकरण है इसमें कौन सी आ गई? इस सूत्र से, कौन से थे? वार्तिक सूत्र है लेब लोबे कर्मण्य अधिकरणे च, इस सूत्र से आ गई आपकी पंचमी विभक्ति। फिर देखिए तीसरा उदाहरण है हमारा, आपको ध्यान रखना है, ये आ जाते हैं उदाहरण का, क्योंकि जो सिद्धांत कौमदी है उस सिद्धांत कौमदी में ये दिए हुए हैं वार्तिक। फिर देखिए ससुरात जिहृति, ससुरात जिहृति, अब ये है, अब इसमें क्या है? ससुर को देखकर
लजाती है। स्वसुर को देखकर लजाती है। ठीक है, अब स्वसुर को देखकर लजाती है, तो ये जो देखकर है इसमें भी क्या है, हमें वीच्य ल्यपंत का प्रयोग करना पड़ता, किसके लिए, देखकर। लेकिन यहां सीधा अर्थ क्या है, स्वसुर से शर्म करती है, लज्जा करती है। तो स्वसुराद जिहरेती में क्या है कि ये जो स्वसुर शब्द है, ये स्वसुर शब्द में कर्म होने के कारण क्या हो गई, क्योंकि ल्यवंत का अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो उस अर्थ प्रतीत होने से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। यह कहते हैं हमारे ये वार्तिक। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।